जिले के जेपी निगरी पावर प्लांट में कार्य कर रहे भूपेंद्र द्विवेदी निवासी रीवा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। बताया जा रहा है कि युवक ने प्लांट के अंदर जहां कार्य कर रहा था फांसी लगाकर जान दे दी है। युवक की पत्नी जो जेपी परिसर में ही कमरा आवंटित था वहीं रह रही थी, उनको कुछ नहीं मालूम था। ऐसी घटना होने के बाद वह भी सदमे में है। युवक की इस घटना के बाद परिवार में आक्रोश है। परिवार के लोगों ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। भूपेंद्र द्विवेदी फांसी लगाकर जान देकर घटना के बाद देवसर एसडीएम विकास सिंह, देवसर एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी, सरई थाना प्रभारी शंकरधर द्विवेदी, निगरी चौकी प्रभारी सहित प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर, जेपी के कर्मचारी सहित स्थानीय हजारों लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अभी स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल करते हुए कार्यवाही में लगी है। बोले कि चलो हॉस्पिटल में है, बहुत बीमार है, चलो हॉस्पिटल में है। तो हम बोले पहले कि हम नहीं जाएंगे, हम फोन लगाए दो तीन बार, चुप। तो वो उठाए नहीं। वो एक मकान मालकिन दादी तो बोली चलो हम चलते हैं, घबरा ना, देख आते हैं कि क्या हो रहा है। आपको कितने बजे जानकारी हुई? 3 बजे। 3 बजे रात को आप फिर कंपनी में आए थे रात को? फिर हम आए यहाँ। तो क्या देख, कैसे है कंपनी में, कैसे है, कौन लाए? गाड़ी गई थी लेने, कंपनी की गाड़ी गई थी। एक ड्राइवर था, एक ड्यूटी करता था वहीं पास है, मैं रूम लिया वो था। तो आप यहाँ फिर आके क्या देखी? हम आए तो बोले बोले कि हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल नहीं है, वो गेट से ले गए अंदर, अंदर से बोले ऊपर चलिए, ऊपर ऊपर गए तो जैसे वो गाड़ी उतनी दूर में, हमको इतने दूर से बोले कि वो है। तो हम उधर जाने लगे तो एक लेडीज थी अभी यहाँ पास, वो थी तो वो आगे से ऐसे हमको पकड़ ली, अब पीछे से ड्यूटी वाले आदमी लोग, लेडीज एक थी पीछे से ड्यूटी वाले पकड़े हैं, आगे से वो लेडीज, अब बोले टच नहीं करना। पूरी घटना आपको क्या लगता है कुछ मतलब? फिर हमको नीचे बैठा दिए, अब कुछ भी नहीं पूछे, जब नीचे बैठा दिए तब बोले कि आपका नाम क्या है, बस। अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए, आपको क्या लगा मतलब आपके पति खुशखुशी से क्या लगता है कि मौत? आत्महत्या तो नहीं है, आत्महत्या नहीं। इतना हम प्रसाद दिए, बोले दे दो सबको, वहाँ बांटेंगे ड्यूटी वाले को, ना कोई टेंशन हो, हंस रहे थे, अगर हम झूठ बोले तो वहाँ जाके उनसे पूछ लीजिए, आस पास आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से ना दुश्मनी ना जान लगता था, वो यही। अभी आप क्या चाहती हैं? किस तरह के न्याय चाहिए? अब हम हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे? हमें सीसीटीवी फुटेज, सीसीआर चाहिए, हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। और क्या करेंगे? सीसीटीवी फुटेज वीडियो दिखाया गया। चाहे थे कि शायद कि थोड़ा बहुत चोट हो, और अब ये बोल रहे फांसी। आज अब हम आए तो फांसी में भी नहीं थे, ऐसे लट लटाए थे दूरी। तो कितने बाहर कितने बजे निकाल दिए हैं? परिवार वालों का आरोप है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, अभी बवाल हो रहा है वहाँ। हमारी बात उनके परिजनों से। देखिए रात के 2 बजे रात में ये सूचना आई थी कि उपेंद्र द्विवेदी नाम के जो ठेकेदार कर्मचारी उन्होंने निगरी प्लांट में काम करते साइड कर लिया, और इस जानकारी में तुरंत पुलिस स्पॉट पे गई और उनके कर्मचारी ने शव को जो है उतार लिया था, और उसके बाद जो है उनके जो परिजन है, उनकी पत्नी है, उनको बुलाया गया था। उसके बाद उसको शव को पोस्टमार्टम के लिए दिया गया था। इसमें पुलिस ने मर्ग कायम किया है, और मर्ग कायम करके उसमें हम निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करेंगे, और जांच के उपरांत जैसा भी तथ्य आएगा उस आधार पर कार्रवाई।